Alaska winter. पूरे पूरे देश दुनिया में और कलकत्ता में एबीसी का स्वरूप बहुत बड़ा है. फैजाबाद, फरीदाबाद, दिल्ली में बहुत बड़ा है. लखनऊ शुरुआत है. आज हमारी पहली मीटिंग थी और हमारे पास डेंटिस्ट, डॉक्टर, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और कोई ट्रेड का नाम लीजिए, कुकरी वाले, बेकरी वाले और किस भी ट्रेड का नाम लीजिए, हर ट्रेड के लोग हैं. कुछ मीडिया के लोग भी हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनका जैसे कि किसी का किचन है या किसी का क्लाउड किचन है. कोई भी ट्रेड काम ना लीजिए, हर ट्रेड के लोग हैं, हर सर्विस के लोग लिटरली हैं यहाँ पर और उनकी बिजनेस को हम प्रमोट करते हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है. काम करने वालों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, सब हमें सपोर्ट कर रहे हैं. मीडिया हमें सपोर्ट कर रही है, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही हमें हमारे मेम्बर्स को स्टॉल्स मिल रहे हैं बहुत सब्सिडाइज रेट्स पर और किसी प्रॉपर बिजनेस प्रमोशन ग्रुप की तरफ धीरे धीरे ये डेवलप हो रहा है. बहुत सारे रेफरल से लोगों को बहुत काम मिलता है. एक मैंने किसी को एक कोई काम बताया था किसी किचन का, तो उनको वो काम मिला यहाँ से रेफरेंस से. फिर उनके जिनको मैंने बताया था उनके थ्रू उनको बहुत से काम मिले, तो रेफरेंस से बहुत काम मिल रहा है यहाँ पर. और हम आपस में एक दूसरे को बहुत प्रमोट करते हैं, मतलब हम सर्विसेज और बिजनेस जो हमारे ग्रुप में है वो आपस में एक दूसरे को देते हैं. ये करना चाहते हैं हम तो यही चाहेंगे. और देखिए बहुत खास बात है, जैसे कि आपने बोला मैसेज, तो हमारी कोई बिजनेस प्रमोशन की फीस नहीं है. एक नॉमिनल मेंबरशिप फीस है, जस्ट अ फ्यू हंड्रेड रुपीज पूरे साल की, जो कि हमारे वो मेंबर्स ही देते हैं जो कि केवल हमारे साथ जुड़ के सोशल सर्विस करते हैं, हमारे हार्डकोर सोशल वर्क ग्रुप में हैं और उनका कोई बिजनेस कोई सर्विस नहीं है. और ऐसे लोग भी जिनके बिजनेस और सर्विसेज हैं, तो बिना किसी फायदे के बारे में सोचे हुए सिर्फ लोगों की सेवा करने के लिए हमसे जुड़ते हैं और नॉमिनल सी कुछ 100 रुपये सालाना की फीस देते हैं ताकि उन पैसों को इकट्ठा करके समाज सेवा का काम हो सके. तो जब वो लोग और जब हमें कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा पैसा भी आपस में मिला के लगाते हैं, शादियाँ करते हैं, व्हीलचेयर्स का और लैपटॉप्स और तमाम चीज़ें, टैबलेट्स वगैरह डोनेट करते हैं, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं और सोशल वेलफेयर, सोशल हेल्प ग्रुप्स भी हम महिलाओं के शुरू कर रहे हैं. अब हैं सारी चीज़ें अपने पैसे मिला के हम करते हैं तो फिर हम आपस में दूसरे का बिजनेस प्रमोट कर ले इसी ने. हाँ, मैं अलाइन डॉक्टर ममता भटनागर हूँ, अलायंस क्लब इंटरनेशनल की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ लखनऊ की. आप सब जानते हैं कि अलायंस क्लब हम सोशल सर्विस के लिए हमारा ग्रुप है, लेकिन इसके अंदर एक हम लोगों ने नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है कि जितने भी लोकल हमारे बिजनेसमैन हैं उनको हमने अब मेंबर बनाया है और वो सारे लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होकर अपने बिजनेस को इम्प्रूव करते हैं और उसका उनको फ़ायदा मिलता है. तो इस तरह हमारा एबीसी अलायंस बिजनेस कनेक्ट एक हमारा ये ग्रुप है, इसके अंदर लगभग 60 लोग हमारे मेंबर हैं. आज इसकी हमने फर्स्ट मीटिंग की है क्योंकि अभी तक जितने लोग थे वो सब व्हाट्सएप पे एक दूसरे से जानते थे, मिलते थे. फेस टू फेस आज हमने पहली मीटिंग की है, तो लोगों ने अपने बारे में बताया है, अपने बिजनेस के बारे में बताया है, एक दूसरे से लोग नंबर ले रहे हैं, उनके बिजनेस से उनको क्या फ़ायदा हो सकता है या किसी को क्या ज़रूरत है उसके लिए वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं. तो इस तरह की आज हमने मीटिंग की. Myself, डॉक्टर लिंकी, मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ और मैं बहुत सारे बिजनेस करते हैं जो सैलॉन पे नहीं लेते हैं. एक पार्लर पे अगर आपके स्पार्च होते हैं तो हमारे पास लेजर टेक्नोलॉजीज होती है जिनको हम ठीक करते हैं. कंप्लीट बॉडी वाइटिंग में हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर ग्रोथ या एस्थेटिकली जो भी चीज़ें होती हैं वो हम करेक्ट करते हैं. स्किन पिगमेंटेशन है, मेलाजमा है,
फाइन लाइन्स, रिंकल्स, बोटॉक्स, फिलर्स, जैसा चेहरा आप चाहते हैं वो करके दे सकते हैं। एबीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एनजीओस में वर्क करता था, बट अब इन्होंने एक बिजनेस कनेक्ट स्टार्ट किया है जिसमें हम एक दूसरे को बिजनेस को समझते हैं और उनको बिजनेस को बढ़ावा भी देने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज़ अ कम्युनिटी जिसमें हम नियरली 55 मेंबर्स हैं और एक दूसरे को बिजनेस को समझ के हम उसको बढ़ावा देते हैं। जैसे कीर्ति है, कीर्ति का शो एंड बैग्स का मैन्युफैक्चरिंग है, मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन हम दोनों मिलके एक अपना बिजनेस एक दूसरे का समझा है। तो जो उनके क्लाइंट्स होंगे वो मैं मुझे रिफर करेंगे, जो मेरे क्लाइंट्स होंगे वो मैं कीर्ति के लिए जनरेट करूँगी। तो दिस इज द पर्पज ऑफ दिस बिजनेस कनेक्ट, हम एक दूसरे के लिए बिजनेस क्रिएट करें और ऑनेस्टली उस चीज़ को चलें। आप मुझे इंद्रानगर में ढूंढ सकते हैं, गूगल में ढूंढ सकते हैं, मैं डॉक्टर लिंकी के नाम से रजिस्टर्ड हूँ और काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, आप आराम से मेरे पास। हम ये सर्विसेज 75 ईयर से प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं थर्ड जनरेशन हूँ हमारे बिजनेस में और हम हैंडबैग्स और फुटवेयर में लीड करते हैं एंड क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और मैं हम ऑनलाइन हैं वंडरशू कंपनी के नाम से, आप हमें वहाँ पर ढूंढ सकते हैं। इंस्टाग्राम आई डी वंडरशू कंपनी के नाम से, वंडरशू कंपनी। बच्चों को दूर रहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? एक सोशल मीडिया का उतना ही यूज़ करें जितना वो प्रोडक्टिव है, और इसके अलावा अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो उससे बेटर है कि आप थोड़ा जाकर सोशली लोगों से मिलने, अगर बच्चे हैं तो प्लीज़ बाहर जाके खेलें, बैडमिंटन खेलें, कोई गेम खेलें, रादर देन सोशल मीडिया में अपनी दुनिया ना बसाएं। सोशल मीडिया को सिर्फ प्रोडक्टिवली प्रोफेशनली जहाँ तक यूज़ करना करें, ये बातें कि आजकल स्कूल के और प्रोफेशनल ग्रुप्स हम सबके बन गए हैं, तो उतना तो यूज़ करिए व्हाट्सएप को या सोशल मीडिया को, बियॉन्ड दैट अनप्रोडक्टिवली उससे दूर रहें, मतलब समय का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। कहीं ना कहीं एक लाइफ का हिस्सा बन गया है फोन, हमें कुछ भी किसी भी चीज़ चाहे घर की चीज़ हो या बाहर की चीज़, हर चीज़ के लिए हम फ़ोन पर डिपेंड हो गए हैं, उस चीज़ को सर्च कहीं और नहीं से फ़ोन पर ही करते हैं। बिल्कुल करिए, कुछ ना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको आप दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है या अपनी ज़िंदगी में हमारे क्या नहीं है, ये कमी ढूंढने में आप प्लीज़ उसका इस्तेमाल ना करिए। अगर आपको कुछ ऑर्डर करना है, कुछ सर्च करना है, पढ़ना है, इसके लिए ज़रूर आप यूज़ करिए फ़ोन को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक नया तरीके का जिसमें लोग एक दूसरे को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं इनका बिजनेस ग्रो करने के लिए, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हर बिजनेस में को आगे बढ़ाने के लिए उसमें लोगों की जरूरत होती है, और अगर बिजनेस के हेड्स आपस में कनेक्ट हो जाएं और एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो आप सोच लीजिए कि वो मैन पावर, उनकी स्ट्रॉन्ग मैन पावर होगी एक दूसरे को बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने खुद के बिजनेस को भी आगे बढ़ाने के लिए। बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट है और इस तरह की चीज़ें करने से आपस में मजबूती नहीं मिली है। वी हैव सीन ड्यूरिंग द कोरोना कि कितनी प्रॉब्लम है कि लोग मदद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, स्पेशली जब एक सोशल इशू को लेकर कनेक्टेड रहते हैं और साथ में एक दूसरे का भी हेल्प कर सकते हैं, जनरली आप जब एक दूसरे से जुड़ते हैं किसी और को मदद करने के लिए जुड़ते हैं, लेकिन ये अलग कॉन्सेप्ट है जिसमें आप एक दूसरे की भी मदद कर रहे हैं दूसरों की मदद करने के साथ। अगर आप बिल्डर हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई बुटीक चलाता है, कोई अपना फैब्रिक का बिजनेस करता है, या अलग अलग जो भी बिजनेस के डिविजन्स हैं, या फिर अलग अलग जो बिजनेस कर रहे हैं, वो एक दूसरे को हेल्प करके आगे बढ़ सकते हैं और इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही होगा। एक ट्रस्ट बिल्डिंग भी होगी और एक दूसरे से आपका कनेक्शन भी बढ़ेगा, प्यार एक दूसरे से बढ़ेगा। अगर आप वो एक तो प्यार तो है ही और एक PR भी है, वो भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है जिससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा। इट्स अ वे टू इंक्रीज योर बिजनेस ऑल्सो द पेरिफेरी वेर यू आर वर्किंग। आई थिंक ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, आगे आपको बिजनेस में काफ़ी फायदा मिलने वाला है एक दूसरे की एक्सपर्टीज़ का। सबसे बड़ी बात ये है, फीडबैक भी ले सकते हैं, जो कि आप उनके साथ मिलकर काम करेंगे तो बिजनेस ग्रो ही करेगा। अलायंस फॉर इंटरनेशनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमेशा सोशली एक्टिव रहता है, काफ़ी लोगों की हेल्प करता है, इसी को लेकर बिजनेस इनिशिएटिव लिया गया है, तो ये कैसा कहना चाहिए? लायंस क्लब शुरू से ही अच्छा काम कर रहा है। ये कोरोना टाइम में भी ब्लड डोनेशन जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी लोगों को अपने किड्स की, तो ब्लड डोनेशन कैंप इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया था। इसके अलावा जब भी कोई फंड की रिक्वायरमेंट होती है, कोई गरीब है, अंडर प्रिविलेज है, या उसे कुछ इमरजेंसी आ गई है लाइफ में, तो लायंस क्लब खड़ा होता है उनके साथ और इमोशनली भी सपोर्ट कर रहा है, साथ में आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहा है और मेंटल हेल्थ के लिए भी ये काम कर रहे हैं। आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय लायंस क्लब के अलग अलग वर्टिकल्स के लिए, अलग अलग
काम में लगे हैं और जो है कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। सर आज के यूथ, मुझे लगता है यूथ देखिए हर जनरेशन का अपना अलग हिसाब होता है। हम सब ने देखा है, हम हमेशा अपने जो पीछे ही जनरेशन होते हैं उसे अपने से कमजोर समझते हैं। तो जाहिर से बताए आजकल की जो जनरेशन है वो भी जो इस समय है उन्हें कमजोरी समझूंगा, अरे इन्हें क्या आता है, मतलब हमें आता है, हम जानते हैं चीज़ों को, टेक्नोलॉजी में लोगों को कुछ नहीं आता है। बट फैक्ट ये कि टेक्नोलॉजी के पीछे दौड़ना ठीक है, आप जो चीज़ें करना चाहते हैं करिए, बट बैक टू बेसिक्स तो आपको आना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड आपके इमोशंस ही आपके आपका साथ देते हैं, आपके जो खुद के रिश्ते हैं, जो आपके खुद के संबंध हैं, वहीं से आपको पीस मिलता है। क्योंकि अगर कमा भी लेंगे और टेक्नोलॉजी में खो भी जाएंगे, पीस तो आपको नहीं मिलेगा। तो जो अपना वेलबींग है वो कहीं ना कहीं नेचर से जुड़ा हुआ है और बेसिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि अच्छा हेल्थ, अच्छी नींद, अच्छा प्यार, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें अगर जिंदगी में रहेंगी तो मुझे लगता है आपकी जिंदगी में सुकून मिलेगा। तो बस ख्याल रखें, ठीक है, आप तरक्की पर दौड़ें पर अपने बेसिक्स को भी ना भूलें। चैनल देशभर दिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।